मेरा नाम गुरमेल सिंह है जी और ऑल इंडिया फार्मर ब्लॉक पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो खुद स्थापित की हुई पार्टी है पूरे देश के अंदर, ये स्टेट पार्टी है वेस्ट बंगाल से। तो उस तरफ से मैं चंडीगढ़ में नामित उम्मीदवार हूँ लोकसभा के लिए। तो आप ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि आप पहले मैं पंचायत प्रतिनिधि हूँ जी, वाइस प्रेसिडेंट जीपी कोर्ट क्लास 99 हिमाचल बिलासपुर से। और यहाँ मैं इस इरादे से आया हूँ कि मैं देश के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल सिटी है और जो मैं यहाँ से बात पहुँचाऊंगा तो यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल मीडिया के लोग रहते हैं। तो मेरी बात जो है वो देशभक्ति के मुद्दे पर है। स्थानीय मुद्दे जो एमपी एक हल कर सकता है वो तो मैं बड़े बेहतर तरीके से करने की कार्यक्षमता रखता ही हूँ, क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। तो जब हम 18-18 घंटे ड्यूटी देते हैं तो ये काम तो कुछ भी नहीं, एमपी के लिए इतनी सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, इतने भत्ते दे रही है, फिर भी जीतने के बाद ये लोग बीच में नहीं आ रहे जनता के। इसको देखते हुए जो चंडीगढ़ में ग्राउंड खाली है, मुझे कोई दमदार नहीं नजर आ रहा है कि जिसमें इतनी इच्छा शक्ति हो। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा ने वादा किया था लोगों से, जब कांग्रेस को लोगों ने सत्ता से बाहर फेंका उसके बाद भाजपा आई, भाजपा ने अच्छे दिन का वादा किया। तो मैं चंडीगढ़ का उदाहरण दे दूं कि श्रीमती किरण खेर जी, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर विरोधी नहीं हूं, मेरे क्योंकि मेरे बच्चे उनकी बहन है, वो टीवी पे देखते हैं उनको। तो मैं खुद ये देख रहा हूं कि जब वो ग्राउंड में ही नहीं है तो ऐसे उम्मीदवार क्या भला करेंगे देश का। हमने उनको टीवी थोड़े दिखाना है लोगों को तो समस्या का हल चाहिए। यहाँ हर कॉलोनी में पानी की पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है, गलियां नालियां फटी पड़ी है और जो डंपिंग की इतना गंद पड़ा हुआ है जो ओपन है, फिर काहे का शहर चंडीगढ़, जबकि चंडीगढ़ का क्या नाम है वर्ल्ड के अंदर कि चंडीगढ़ एक सिटी है। लेकिन जब यहाँ घूम के हमने देखा कॉलोनियों के अंदर, तो मुझे नहीं लगा कि ये उतना डेवलप हुआ है जितना इसका नाम है। तो एज एमपी मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ और एक साल में जो है रिजल्ट देने की कार्यक्षमता रखता हूँ। पूरी जोश और बुलंद आवाज के साथ मैं इन कामों के लिए चंडीगढ़ शहर को सुंदर बनाने के लिए लोकसभा में भी लड़ूंगा, क्योंकि एमपी पद के अलावा बहुत से ऐसे मतलब और भी फंड्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है पैसा आता है हर डिपार्टमेंट को, वो क्यों नहीं लगता है, वो क्यों नहीं उसकी पैरवी क्या करते हैं लोग, ये तो लोग खुद ही हवा में, कोई टीवी भी बैठा हुआ है, कोई पार्टी के भरोसे है, कोई बोल रहा है जी मैं मोदी जी के नाम पे वोट दो, चाहे वो खुद कैंडिडेट ग्राउंड में कुछ करे ना करे, कितनी भेड़चाल है ड्रामा है। तो यहाँ मोदी जी थोड़े आएंगे घर घर, जिसका इलाका उसको तो, अगर यहाँ किसके पैर में कांटा चुभता है तो स्थानीय लीडर को देखना है, ना कि मोदी जी आएंगे उसके लिए। हाँ, दो मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं इग्नोर नहीं मार सकता। मोदी जी के अंदर अच्छी क्वालिटी थी, है भी है, लेकिन जब लोग ही नहीं बोलते हैं, लोग ही नहीं बता रहे हैं कि सर आप गलत कर रहे हो, तो मोदी जी को यही लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं और वो बिल्कुल पूरी फिल्म के साथ वोट मांगता है। तो आधी दुनिया तो इसी मकर जाल में उलझी हुई है टीवी पे ऐड देखे, जबकि करोड़ों अरबों रुपए फूंका जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम गरीबों की खबरें क्यों नहीं लग रही है, हमारे प्रोग्रामों में तो बहुत लोग आ रहे हैं। मेरी स्टेज पे 150 आदमी चढ़े हुए थे, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है जी, वो कवर एक छोटे से कोने में लग रही है अखबार में। तो सब कुछ ये जो है वो मतलब धन बल के ऊपर है। तो नेताजी के सपनों का, क्रांतिकारियों के सपनों का बात हम चाहते हैं, उसके लिए कितना हमें वक्त लगता है। तो जब केजरीवाल जी जीत सकते हैं वो सीएम तक बन सकते हैं, मोदी जी चाय बेचकर जो केजरीवाल जी झाड़ू लेकर, तो मैं तो एक बीएसएफ का मजा हुआ सिपाही रहा हूँ और गौ हत्या जो है उसके विरोध में मैं 4 महीने क्लोज रेस्ट रहा हूँ बीएसएफ के बंदीगृह में। मुझे फेक इनकाउंटर में मरवाने की कोशिश भी हुई स्मगलरों के साथ मिलकर, तो उस चीज के लिए मैं अपने अफसरों को भी दोष नहीं देता, क्योंकि पावरे जो है वो केंद्र तक है स्मगलरों की, इंटरनेशनल जो है स्मगलिंग है, तो बॉर्डर है जो 1 किलोमीटर खुला हुआ है, 3 किलोमीटर खाली है, ये क्या ड्रामा है, कब तक ऐसा चलेगा। जब मैं लीडरों के साथ रह के देखा, मैं कांग्रेस के साथ भी रहा सर, मैं बीजेपी के साथ भी रहा, मैंने यही अनुभव में पाया कि सब लोग अपने कैरियर बनाने के पीछे है, कोई यश के लिए भाग रहा है, कोई धन के लिए भाग रहा है। जमीनी स्तर पर मुझे नजर ही नहीं आया वो इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप बताइए कि भाजपा ने वादा किया था कि हम जो है वो अच्छे दिन लाएंगे तो और गौ हत्या बंद करेंगे, जो गौ वंश की बेकदरी है तो वो तो और बढ़ गई। चंडीगढ़ की सड़कों पर ही जो है आप देख लीजिए गौ वंश इतना घूम रहा है, सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रही है गायें, कई लोग भी मरते हैं जब अचानक बीच में आ जाती हैं।
तो इतना पाप एक हिंदू गवर्नमेंट में होने के बावजूद अब किससे आशा रखी? कांग्रेस से तो पहले आशा नहीं थी लोगों को, इसलिए कांग्रेस को बाहर किया लोगों ने, मोदी जी को मैंडेट दिया। मोदी जी भी ये जो है वो मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, भाई आप संत बन जाओ, ठीक है ना। जनता को तो डेवलपमेंट चाहिए, उनको देख के राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जा रहे हैं। चंडीगढ़ में कौन से ऐसे जो खास मुद्दे हैं जिसको लेकर? चंडीगढ़ में बहुत मुद्दे हैं, डंपिंग का मुद्दा है, सड़कों का, गलियां हैं, जो खास करके कॉलोनियों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो इसके अलावा जो पानी की व्यवस्था है, आप किशनगढ़ में चले जाओ, बापूधाम में चले जाओ, ननाज में चले जाओ, नया गांव में चले जाओ, मतलब बहुत कमियां हैं। करने को बहुत कुछ है, चाहे रात दिन लगे रहो, लेकिन ये लोग तो 10 बजे से पहले जो है वो अपना दरवाजा नहीं खोलते जनता के लिए, 6 बजे से पहले शाम को जो है वो फोन नहीं उठाएंगे, 6 बजे के बाद ये पर्सनल टाइम है जी, तो फिर आपने पंगा क्यों लिया? आप क्यों वोट मांगने आते हो? उस चीज के लिए जो ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो स्थानीय ही है, कोई कैपेबल है तो उनको आगे लाना चाहिए। जनता से मैं विनती करूंगा, जनता से मेरी प्रार्थना है। एक दो सवाल चंडीगढ़ के होंगे, इससे पहले चुनाव आपने लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की सर? इससे पहले ऐसा था जी कि जब मेरे साथ कांड हुआ बॉर्डर पर और मुझे खुद भगाया गया और मुझ पर अनुशासन को तोड़ने का जो है इल्जाम लगाया गया, जबकि अगर मैं वफादार ना होता तो मैं सीबीआई जांच की मांग क्यों करता? मैंने सीबीआई जांच की मांग की, मैं इंडिया गेट तक गया नेशनल फ्लैग लेके 13 जनवरी 2007 को, और मुझे उठा के साइकेट्रिक वार्ड में ऑल इंडिया में दाखिल कर दिया कि मेंटली अपसेट है। फिर मैंने बोला भाई अगर मैं मेंटली अपसेट हूं तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दो, तो वो ये पर्सनल मामला है किसका, पेशेंट का और हॉस्पिटल का। मेरे भाई ने मांगी, उसको नहीं दी। फिर मैंने आरटीआई भरी, मेरे पास हर चीज के प्रमाण है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन लोग मुझे भरवाना चाहते थे। मैं अपनी फोर्स को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं अपने देश को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहता। मेरी लड़ाई देश के गद्दारों से है, जो निष्क्रिय उम्मीदवार हैं उनसे है कि यार अगर आप समय नहीं दे सकते जनता को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, तो क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो सीट का? वो उसको संभाल के क्यों बैठे हो उस पे कुंडली मार के, आपके खाली पब्लिसिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए? तो मैं तो ये भी वादा करता हूं कि स्थानीय जनता की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अगर आपका ये फौजी भाई जीत के जाता है संसद के अंदर, तो अपनी हाफ सैलरी सांसद निधि की, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके नाम ऑटोमेटिकली मेरी सैलरी से कट जाया करेगी, पेंशन भी लाइफ टाइम को कट जाया करेगी। 50% इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि फिर मैं अपना वर्क नहीं कर पाऊंगा जब मैं सोशल सेवा में आ जाऊंगा, और मुझे पेंशन पहले नहीं मिलती है, इसलिए 50% मैं अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए रखूंगा। इसके अलावा जो हॉस्पिटलों की दुर्दशा है चंडीगढ़ के अंदर, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सेक्टर 16 में चले जाइए, 32 में चले जाइए, पीजीआई में चले जाइए, जो पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव हैं आप रात को जाके देख लीजिए, वो जो है फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, मच्छर काट रहे हैं, तो क्या कहां सोए हुए हैं? मतलब जो हमारे लीडर्स हैं, नेता हैं, क्या ये क्रांतिकारियों के सपनों का बात है? एक बार मौका तो देके देखो दोस्तों, अगर मैं एक साल में ही ऐसे काम करके ऐसे उदाहरण देके, एक भी गाय रोडों पर नहीं मिलेगी आपको, वादा करता हूं। पानी की व्यवस्था जिन कॉलोनियों में है मेरा टारगेट एक साल के अंदर हल करेगा ये गुरमीत सिंह, इसमें इच्छा शक्ति है काम करने की, अनुभव है मेरा 12 साल से सोशल सेवा में रहा हूं। मैं लोगों के पेशेंटों को लेके आता था, कोई पेशेंट कैंसर के है, इसलिए मुझे हॉस्पिटलों की दुर्दशा का पता है, और हमारे यहाँ बहुत रिश्तेदार रहते हैं जो जिनसे हम मिलने आते थे, तो यहाँ पर चर्चा पता चलता था। तो मैं चंडीगढ़ के लोगों से वादा भी करता हूँ कि बेशक मैं देवभूमि हिमाचल से आया हूँ, लेकिन आज के बाद जो है मेरा जीना और मरना चंडीगढ़ के लिए है, मेरी कर्मभूमि चंडीगढ़ शहर रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए आप तक अभी तक कितना खर्चा कर चुके हैं सर? ऐसा है जी, मेरा खर्चा तो 1 लाख रुपए भी नहीं आया, वो भी मेरे यारों दोस्तों ने, मित्र मंडली ने किया है, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं, मुझे पेंशन मिलती नहीं है। और पार्टी की तरफ से कुछ सपोर्ट किया है? हमारी पार्टी है ये क्रांतिकारी की पार्टी है, ये कोशिश नहीं करती कि हमें दान दो, हालांकि मुझे पार्टी का आदेश था कि आप एक दान पात्र लगाओ ताकि आपको लोग सहयोग करें, शायद कल से हम लगाएं, क्योंकि अब हमारे पास पैसा है नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं घर घर घूम के कि लोग बिना पैसे के अगर वोट देंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर अगर कैंडिडेट पैसे बांटेगा तो पहले अपने पूरे करेगा पैसे, इसलिए हमें किसी उद्योगपतियों से हम पैसा नहीं मांगते, क्योंकि फिर वो घोटाले करेंगे, अप्रोच करेंगे। हम ये चाहते हैं कि स्थानीय जनता हमें 10-10 रुपए दे, वो बेहतर है,
क्योंकि 10 रुपए अगर एक व्यक्ति देगा तो उसको कई गुना हम जो है वो काम के रूप में उसको वापस कर देंगे, उसको फील भी नहीं होगा कि उसने मेरी मदद की है ये देश के लिए। इसके अलावा ये तो सारे मुद्दे यही है, सबसे बड़ा मेरा मोटो है कि मैं देश के की जो सोई हुई आज जमीर है सोया हुआ लोगों का, देशभक्ति की भावना ही नहीं लोगों में, वो जगाऊंगा, वो उनकी झकझोर के रख दूंगा उनकी आत्मा को। लोग एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे, अपना कैरियर बनाने के लिए राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर गंदगी उछाल रही है, जबकि है तो सब भाई है ना, देश के लिए लड़ रहे हैं, तो अच्छे जो अच्छे उम्मीदवार है वो जनता जिताती है, जीत के आगे आएंगे, उसमें क्या है। अगर आप जीतते हैं तो नारी सम्मान के लिए क्या करेंगे सर? क्योंकि नारी सम्मान के लिए सबसे बड़ा दर्द है मेरे मन में, क्योंकि मातृशक्ति से ही देश चल रहा है, हमारी माताएं हमारी बहनें हमारा लालन पालन करती है, घर में हम कहीं भी रहे वो हर तरह का सुख देती है नारी जो है वो आदमी को, लेकिन आदमी के रूप में कुछ भेड़िए हैं इस भारत भूमि पर जो मतलब बुरी नजर से जो है हमारी मातृशक्ति को हमारी बहनों को देखते हैं। तो अगर मैं MP बना प्रभु कृपा से मातृशक्ति के आशीर्वाद से, तो मेरा एक दबंग रूप आप देखोगे। चंडीगढ़ से आपको कितना सहयोग? चंडीगढ़ के लोगों की भावनाएं तो बहुत मेरे प्रति जो है बोलने में तो जो है वो मतलब मेरे फेवर में लग रही है। अब आंतरिक तौर पर क्योंकि बड़े संगठनों से लोग पुराने जुड़े हुए हैं, वो नेताजी के प्रति सहानुभूति है, वो मेरे से खुश है, बात कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। अब ये तो 23 को पता चलेगा कि कितना जो है जो टीवी में लोग डिबेट दिखाते हैं फौजियों के प्रति, क्या वास्तविकता में ग्राउंड में भी लोग प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो एक फौजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, खास करके ये मौका जब BSF का एक जवान इकलौता जवान हूं मैं BSF का पूरे देश के अंदर, जो मैं चंडीगढ़ से लड़ रहा हूं, क्योंकि तेज बहादुर जी थे तो उनका मोटो तो सिर्फ खाने पर था, मैं तो खाना भी नहीं मांगा दोस्त, मैं तो गऊ कटने के लिए जाती थी, गऊ को हम माता मानते हैं, तो जब मेरी माता मेरी वर्दी को मैंने वर्दी पहनी हुई है और मेरी गऊ माँ को कोई मेरे सामने काटने के लिए ले जाए तो मुझे उस वर्दी को पहनने का अधिकार नहीं है, इसलिए आज मैं नौकरी में नहीं हूँ, क्योंकि वहां पर गोली चलाने का ऑर्डर जो BSF को नहीं है, सरकार की कमी है उसके लिए BSF की कमी नहीं है, प्रेशर अधिकारियों पर, क्योंकि वहां पर क्यों बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों ने गौ तस्करी का माध्यम बना लिया है, बर्तन तस्करी और भी विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं वो बांग्लादेश को सप्लाई होती है, इसलिए वो लोग बॉर्डर सील नहीं होने दे रहे हैं, ऐसे कई कारण। सर अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से तो यही अपील करना चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि आप स्थानीय कैंडिडेट देखिए, या अगर बाहर से भी आया है तो ये देखिए वो कितना पेन आपका लेता है, देश के प्रति उसकी क्या भावना है, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति वो क्या कर सकता है, बेरोजगारों के प्रति वो क्या कर सकता है। ये जो सेलिब्रिटियां हैं ये 5 साल बाद आएंगी, फिर वापस चली जाएंगी, फिर आप ताकते रह जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे देश का और स्वच्छ भारत का निर्माण नहीं होगा, ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत नहीं बना सकते, वही बना सकता है जिसने गरीबी देखी हो, और हम गरीब परिवार से हैं, गरीब किसान का बेटा हूं, मुझे गरीबी के बेरोजगारी के दर्द का पता है, लेकिन BSF का एक हार्ड वर्कर जो है मैं सिपाही रहा हूं, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं और आगे भी जो है मैं चलता रहूंगा, ये मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि गरीबों के लिए मैंने लड़ना है, देश के लिए देशभक्ति की भावना लोगों के मन में जगानी है। आज भी जो है देश के प्रति कुर्बानियां देने वाले बहुत देशभक्त देश के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनको पैदा होने से पहले पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो धन बल के जोर पर उनको उनका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, उनको मतलब फेक रजिस्टर कर देंगे केस क्रिमिनल केसों में, चाहे कुछ उन्होंने किया है चाहे नहीं, क्योंकि उन्हें खतरा हो जाता है कि ईमानदार व्यक्ति है कल को हमारे लिए खतरा बनेगा। तो ऐसा ही केस है, एक मुझे ऐड देने के लिए बोला था, एक नोटिस है ये, तो मैं यहां बोल के बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने जो है चुनावियों को ये देना है, एक नंबर 88/RO चंडीगढ़ डिप्टी कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मुझे जो है ये नोटिस मिला है कि आपके खिलाफ जो है केस रजिस्टर्ड हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर सिविल नंबर 536/2011 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR एंड द डायरेक्शंस इन द कमीशन लेटर नंबर 3/2018 SDR सदर डेटेड 10/10/2018 ऑल कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस आइदर पेंडिंग केसेस
और केसेस कन्विक्शन इन द पास्ट आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सच क्रिमिनल केसेस इन न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल और थ्री ऑपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द डे फॉलोइंग द लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एंड टू डेज बिफोर द डेट ऑफ पोल पब्लिशिंग डिक्लेरेशन इन टीवी चैनल्स should be completed before the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll. ये मेरे खिलाफ है, मैं उम्मीदवार हूँ, ये इसकी कॉपी है सर, आप इसको शूट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहन अंतिल है, मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रदेश सचिव हूँ और हमारे चंडीगढ़ से गुरमेल जी प्रत्याशी और मैं इन्हीं के लिए यहाँ चंडीगढ़ में लोगों से अपील करने के लिए आऊँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको वोट दें और जो लोग यहाँ पे आते हैं और प्रत्याशी के रूप में वोट मांगते हैं और वोट विकास के नाम पे मांगते हैं लेकिन 5 साल तक फिर सकल नहीं दे पाते चंडीगढ़ में, तो इसलिए मैं एक अपील करूँगा लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और हमारा जो प्रत्याशी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से, नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद ये 1939 के अंदर पार्टी बनाई थी और 1943 के अंदर आज़ादी का झंडा फहरा दिया था अंडमान निकोबार पे और 9 देशों की मान्यता लेके प्रथम प्रधानमंत्री हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने आज़ादी के लिए हमारे जो सैनिक बंद थे दूसरे देशों की कैद में उनको निकाल करके आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 60,000 फौज उन्होंने निकाल करके फौज बना करके वापिस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की जिसमें हमारे 26,000 सैनिक शहीद हो गए थे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो मेरे देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो सपना देखा था, उसको उनका क्रेडिट नहीं मिला, ना ही किसी क्रांतिकारी को शहीद का दर्जा मिला और हमने सरकार से मांग की है, विदेशों से चिट्ठियां कटवाई है और हमने एक मांग की थी कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जॉर्ज फाइव का पुतला था वहां पे हमारे राजपथ के ऊपर वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाए और उनको पहला प्रधानमंत्री घोषित किया जाए और जितने हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए 7,32,000 उनको शहीद का दर्जा मिले और इस देश को राष्ट्रीयकरण करे न कि इसका निजीकरण करे। तो हमारी ये कुछ मांगे हैं, वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था हमने, आपने सबने मिलकर पूरे देश ने मिलकर कांग्रेस को नकारा था लेकिन इस मामले में बीजेपी अपने अपने जो उसका एजेंडा था उस पर खरी नहीं उतरी, इसलिए हमने इस पार्टी को लेकर के और जनता के बीच आने का फैसला किया और जल्द ही आप सबके सामने आप सबके बीच में जनता के बीच में आप सबके सहयोग से और ये शेर जो हमारा चुनाव चिन्ह है ये शेर बहुत ही जल्द पब्लिक के अंदर होगा और इन पार्टियों को अब इनके घर के अंदर वापस बिठा देगा जो कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले और देश के साथ अत्याचार देश के साथ बहुत ही ऐसे घिनौने काम किए हैं जो पब्लिक सब जानती है और पब्लिक देख रही है। विकास के नाम पर जीरो है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।